मसीह में आपकी सलामती हो नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर विक्की। और आज हम मेरा शहर मेरे लोग क्रिश्चियन आबादी हेनरी के में मौजूद हैं। ये NA 128 और PP 156, यहां से जो MNA हैं ओन चौधरी साहब हैं और PP 156 के यासीन आमर सोहल साहब थे, लेकिन हुआ ये कि PTI ने यहाँ से PP की सीट ले ली थी। खैर नाज़रीन, अब हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे भी क्रिश्चियन आबादियों के जो हालात हैं आपको दिखाते हैं। और बड़े ताजुब की बात है कि हमने जितनी भी क्रिश्चियन आबादियाँ की विज़िट किया है, वहाँ पे बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं। आइए यहाँ पे भी हम लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या उनको यहाँ पे बुनियादी सहूलियात, पानी, गैस, सफाई का निज़ाम बेहतर है। आइए नाज़रीन यहाँ के मकीनों से बातचीत करें। नाज़रीन हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं यहाँ पे, और उनसे पूछते हैं कि उनको क्या क्या यहाँ पे मुश्किलात हैं और कितने अरसे से ये जो क्रिश्चियन कॉलोनी है हेनरी के कायम है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या नाम है? राम। अच्छा, कितने अरसे से आप यहाँ रह रहे हैं? 40-50 साल हो गए। 40-50 साल तो इतने तुम किन किन चीज़ों की मुश्किलात? इतने मुश्किलात सड़क साड़िया को नहीं, सिविल साड़ा को नहीं, पानी जो घर चलता ही नहीं, डबल बिल पैदा है। वो मासा वक्रा लेंगे कि जी मोटर चलती है, वक्रा बिल भरना पैदा है। किन्ने अरसे तो फेस कर रहे हो? ये 2000 मेरा तीन चार तो अगर पानी सही सी, तीन चार तो पिछे पिछे पानी खत्म हो गया। तुसी कभी अपनी दरख्वास्त नहीं दी? बढ़िया। तो की काम क्यों नहीं होता? तो आंदे नहीं, पिछली वो आंदे नहीं भी ना। सब ना ज्यादा थे, किस चीज़ की मुश्किल? पानी की मुश्किल बहुत ही, गैस उका ही रहा था। अच्छा, गैस भी नहीं तो पानी भी नहीं। अच्छा, साढ़ा की नाम है जी? रशीद मसीह साहब। गैस भी नहीं, पानी नहीं, तो गुजारा किस तरह? गुजारा सिलेंडर भरवाने अस। सिलेंडर से गुजारा कर? हाँ जी, वो भरवाई दा, पानी दा भी फिल्टर तो लियाईदा, वो भी दूरों दूरों जाके फिल्टर भी कहने। सफाई दा निज़ाम? सफाई दा भी बस इसे तरह ही चलता, कोई एडा सफाई दा निज़ाम नहीं आता सामने ही गई। अच्छा, इतों के जो सियासतदान ने जो आए ने इलेक्शन वाले दिनों से तुम्हारा वादे भी तो करके गए होंगे, क्या वादे को पूरे होने? कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। वही तो आर साहब तो करी शिकायत करी दी, अगो फिर उन्होंने कहते हैं तो करा दे पैने काम सारे। आर साहब कौन? या कौंसलर साहब ने साढ़े खलोते। अच्छा, कौंसलर साहब ने। पानी नहीं, गैस नहीं, तो कैसे गुजारे? बस गुजारा कर ही रहे हैं सिलेंडर से। सिलेंडर से गुजारा? कितने अरसे से गैस नहीं? काफ़ी देर से हो गया, 2-3 साल से नहीं आ रही गैस। 2-3 साल से? अच्छा, ये बताएं कि ये जो आबादी है ये कितने अरसे से कायम है? ये तो काफ़ी देर से है, मसलन 40-50 साल तो इनको हो। 50 साल से ज़्यादा होगी? अच्छा, 50 साल में आपने यहाँ पे तरक्याती काम कितनी मरतबा हुए? अभी हो रहे हैं जो हमारे काउंसलर करवा रहे हैं, पहले तो कोई भी इतना नहीं हो रहा था। नहीं, अभी तो गैस भी नहीं आ रही, पानी तो भी नहीं है और पानी आ रहा है। अच्छा, यहाँ आपकी गलियाँ सफाई होती हैं? नहीं, अभी नहीं हो रही। अभी नहीं हो रही? इतों के मेरे जाम पाले, मैं इतों का रहशी हाँ, इतने सारा कुछ। इतने किस किस चीज़ की मुश्किल है? इतने मुश्किल आ पानी वेखो, ठीक है, ओ मलबा वेखो, आखो ओ परलियां गलियां चले चलो, तो उत्थे भी यही खाना खराब है। की वजह? वजह यह कि ना कुछ सीवरेज वाला आंदा ही, जिन्हों कह चले जो वो 36 वारी उन्होंने कह के आओ, फिर आंदा तो फिर कहता पैसे दो। ते जड़े MNA MPA ने कभी उन्होंने नहीं कहा? MNA MPA ने की माड़ा बंदा कह सकता उन्होंने? इतों के जो चेयरमैन सन कभी उन्होंने नहीं कहा? चेयरमैन तो वह तो बेचारे अर्ज अगर जाके कर देंगे ने, ना सुने कोई तो ना सुने। नाज़रीन सुनवाई नहीं हो रही। आइए नाज़रीन हम यहाँ के जो काउंसलर साहब हैं उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे काम ना होने की क्या वजह है और आगे काम होना भी है कि नहीं होना। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं RF सादिक साहब, UC 206 के ये मिनोरिटी के काउंसलर भी हैं, और ये हमें बताएंगे कि लोगों की शिकायत को
कैसे ये फेस करते हैं और अभी तक यहाँ पे तरक्याती काम क्यों नहीं हो रहे? जी तरक्याती काम इसलिए नहीं हो रहे कि वो पहले 3.5 साल तो पीटीआई की हुकूमत थी, ठीक है। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो इधर किसी ने कुछ किया ही नहीं, एक काम भी नहीं। अभी वो 1.5 साल मिला, इसके बाद अभी करने लगे 10 तारीख, ये जुलाई के महीने में 10 तारीख से काम शुरू कर रहे हैं। अभी ये फंड मंजूर हो गया इधर का, वो सड़कों का भी हो गया, सीवरेज का भी हो गया, अच्छा गैस का भी इसके बाद करा लेंगे, लेकिन अभी जो वो काम वो कह रहे हैं कि 10 तारीख तक शुरू हो जाएगा। अच्छा पीटीआई के दौर में काम ही नहीं हुआ? हाँ नहीं कुछ नहीं, उन्होंने जानबूझ के, तो आपको पता उसने काम किया कि पूरे पाकिस्तान में काम नहीं करवाया। अच्छा आप ये बताएं कि ये जो गलियां बनी हैं ये कितना अरसा हो गया? ये तो तकरीबन 20-25 साल हो गए। ये कलोनी कब की कायम है? ये तकरीबन 1972 की है। 1972 से लेके अब तक कितनी मरतबा तरक्याती काम हुआ? ये ख्वाजा अहमद शाह ने करवाया था, जो इधर ये पानी जितना भी है ना, वो वाटर सप्लाई का जो पैप लैंड डलवाया था वो ख्वाजा अहमद शाह। लोगों की ये शिकायत भी है कि फिल्ट्रेशन प्लांट और पीने को साफ पानी भी दी? नहीं नहीं दो हैं, दो हैं। हाँ नज़दीक हैं, एक इधर है एक उधर वो नसीराबाद में, दो हैं फिल्टर प्लांट, दो हैं। तो अभी ये लगा था इधर, लेकिन अभी वो दो 3 दफ़ा उसका बोर हो गया था, लेकिन वो खत्म, अभी वो पार्क में चला गया। सीवरेज का निज़ाम जो है वो भी ठीक नहीं? हाँ जी हाँ जी, सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं, लेकिन वो पास हो गया 10 तारीख को। हाँ, 10 तारीख को। आपके कहने का मतलब ये है कि जितनी देर तक पीटीआई की हुकूमत रही है उतनी देर नहीं नहीं कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। ये नून आप लोगों की शिकायत को दूर करते हैं? जी करते हैं, करते हैं। तो फिर ये 50 साल हो गए हैं इस कॉलोनी को बने हुए हेनरी के, ये किसके नाम पे हेनरी के को क्रिस्टल को? ये फादर साहब हैं, फादर हेनरी, उनके नाम पे। फादर हेनरी कहाँ से? वो तो बेल्जियम से। बेल्जियम से, यानी कि ये कैथलिक कॉलोनी के कैथलिक। नाज़रीन आपने आरफ सादिक साहब जो यहाँ के कौंसलर भी हैं और उन्होंने कहा कि 10 जुलाई से यहाँ पे तरक्याती काम होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि नाज़रीन हमने जितनी भी क्रिश्चन आबादियों में गए हैं वहाँ पे बुनियादी सहूलियात मैसर ही नहीं है। लोगों की यही शिकायत है, लोग सिलेंडर लेके जा रहे हैं, गैस नहीं आती, पानी का निज़ाम नहीं है, सीवरेज जो से हैं अपना वो बंद पड़े हुए हैं, गलियों में गटरों का पानी, उबलते गटर नज़र आए हैं। ये क्रिश्चियन कॉलोनियों में ही क्यों? ये एक हमारे सियासतदानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। नाज़रीन इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर एक नई कॉलोनी में मुलाकात होगी। जय मसीह।